हाय ऑल, मैं निशा, आप सबका निशा किशोर मेरी रसोई में स्वागत करती हूँ। तो चलिए, अब बच्चों को छुट्टियाँ हैं, बच्चे घर पे हैं, तो क्या करेंगे? हर थोड़ी देर को बच्चे आकर बोलेंगे कि मम्मी भूख लगी, तो आप ये मेरे चीज़ी ट्रायंगल्स बनाइएगा और बच्चों को खिलाइएगा। बहुत ही मस्त और यम्मी और टेस्टी ट्रायंगल्स है। बच्चे अगर एक वक्त खाएंगे तो फिर आपको रोज़ बनाओ बोलकर बोलेंगे ये, और बहुत ही इजी झटपट से एक 10 मिनट में आपके ये बनकर रेडी हो जाती है, और आप इसको बनाकर भी सेव कर फ्रिज में रख सकते हैं। तो आप मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन, द टिंग टिंग वाला बटन टू बी नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ न्यू रेसिपी। ये है एक 2 टीस्पून ऑफ चीज़ है, ये अमूल की क्रीम चीज़ है, ये चीज़ स्प्रेड है, ये अमूल का चीज़ स्प्रेड है। इसमें अपन डालेंगे ये 2 चीज़ क्यूब्स ग्रेट, ये 2 चीज़ क्यूब्स ग्रेट कर इसमें डालेंगे। ये अपना क्यूब्स भी ग्रेट हो गए। इसमें अपन अब क्या करेंगे, इसमें अपन 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, इसमें अपन 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, और 1.5 कप मैदा डालेंगे। इसमें मैं जो है सो कि सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि चीज़ ऑलरेडी बहुत ही सॉल्टी रहती। अब इसको अपन अच्छे से नीट कर लेंगे। अगर पानी की जरूरत पड़ी तो पानी डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। ये अपना ऐसा थोड़ा क्रम्बली क्रम्बली हो गया, इसमें अपने को जो है सो कि पानी की जरूरत पड़ती है, अपन पानी डालेंगे। थोड़ा पानी डालकर अच्छे से नीट कर लेंगे इसको। अपना ये अच्छे से नीट हो गया, इसमें अपन थोड़ा सरका तेल डालकर अच्छे से मिला लेकर एक जो है सो कि 10 मिनट के लिए उसको अपन ढाप कर रख देंगे। थोड़ा सरका तेल डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे, इसको ढाप कर 10 मिनट के लिए रख देंगे अपन। 10 मिनट के बाद में बेल कर इसको अपन छोटे छोटे अच्छी छोटी बारीक पूरी बेल कर इसको कट करेंगे। मैं बताती हूँ कैसा करना। अभी अपने 10 मिनट्स हो गए, अपन इसको बेलेंगे। जब तक जो है सो कि अपन क्या करेंगे बोले तो कि एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। थोड़ा सरका हाथ पर परथन लगा लेकर इसको भी अपन डिवाइड कर लेंगे, ये डो को भी 2 पूरियों में डिवाइड करेंगे, 2 या 3 में डिवाइड कर लेंगे आप, जैसा आपको ईजी दिखा वैसा, जैसा आपको इजी दिखा वैसा उसको डिवाइड कर लेकर अपन पूरियां, बड़े बड़े पूरियां बेलेंगे। पूरियां बोल सकते आप, रोटी बोल सकते, वैसा रोटी बेल लेंगे आप। 3 पूरियां में बेली, अब इसको अपन बेल, 3 गोलियां में काट ली, अब इसको अपन बेल लेंगे। देखिए मेरी ये पूरी बन गई, इतनी थिकनेस की है। इसको अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल्स में, छोटे छोटे ट्रायंगल्स में कट कर लेंगे। ये देखिए मेरे छोटे छोटे चीज लिंक्स बन के रेडी हो गए। अब ऐसे मैं जो है सो कि दूसरे पूरियां भी बेल कर उसको भी काट लेती हूँ। अपना तेल भी अभी गर्म हो गया, अपन देखेंगे तेल हो गया कि नहीं हो गया बोलकर। देखिए अब मैं एक छोटा सरका डाली तो वो ऊपर आ गया। अपन अब क्या करेंगे, पूरे इसमें ऐसे डाल देंगे, डाल कर तल कर निकाल लेंगे। अपने ये अच्छा गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए, इसको मैं अब क्या करती हूँ, टिश्यू पेपर एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, एक पेपर नैपकिन के ऊपर। ये अपने पूरे चीजी लिंक्स बनकर रेडी हो गए, अपन अब इसको सर्व करेंगे और चाय के साथ खाएंगे। देखिए ये चीज़ी ट्रायंगल्स बनाना कितना ईजी था, आप भी इसको बनाइएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बोलिए कि ये कैसी बनी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन वाला बटन टू बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू रेसिपी। थैंक यू।